नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर एक नए नॉलेज साथ फिर से हाजिर हूँ आपके पास। तो आज बताएंगे दोस्तों कि ये जो झालड़ होता है, मिर्ची बॉल इसको बोला जाता है, तो इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये मेरा गारंटी है कि आज का वीडियो आप देख लेंगे तो आपको कोई भी झालड़ हो या LED बॉल हो, आपको ईजी लगेगा बनाने में। मैं बता देता हूँ इसको, ठीक है। प्रोसेस सबका समझा देते हैं, पैसे किसका क्या कैसे बना जाता है, कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहे दोस्तों, अंत तक ज़रूर देखें। ये मेरा गारंटी रहा दोस्तों कि आप सीख जाएंगे और फुल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और ये मिर्ची बॉल के बारे में तो कुछ ज़्यादा बता देंगे, ताकि कोई भी मिर्ची बॉल इस टाइप का आएगा तो बना सकते हैं। और प्रोसेस आपको हर झालड़ या मिर्ची बॉल के बारे में आपको बता देते हैं कि हाँ, कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें बीमारी क्या क्या आता है और उसका कैसे सॉल्यूशन होता है, और बहुत ही इजी वे में, बहुत ही एकदम नॉर्मल वे में आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा बिना कुछ इन्वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला दोस्तों, एक तो आपको जो है आपको एक्सटेंशन बोर्ड की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप चेक करेंगे जो। और दूसरा है दोस्तों आपका ये टेस्टर जरूरत पड़ेगा। आपको तो पता होना चाहिए दोस्तों कि लाइन में जो है एक लाइन आप न्यूट्रल और फेज जो है दोस्तों, उसमें न्यूट्रल में तो नहीं जलेगा, फेज में जलेगा। मतलब टेस्टर जो है दोस्तों फेज में डालेंगे तो मतलब जलेगा, देखिए दोस्तों जल रहा है, और न्यूट्रल में नहीं जल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। आप करेंगे दोस्तों कि ये जो आलपिन है, या आपके पास सुई वगैरह है तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आलपिन से दोस्तों ऐसे क्या करना है, इसको आलपिन से जो है इसको आप सीधा करके और इसमें जो आप टेप मार दीजिएगा। आपको उससे क्या होगा दोस्तों, आप टेप से इससे आप डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, मगर इससे आपका इजी वे में जल्दी काम होगा, ठीक है। बात ये है, तो इसको जो है दोस्तों अच्छा से टेप मार दीजिए अच्छा से, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, करेंट वगैरह लगे नहीं। तो थोड़ा सेफ्टी से दोस्तों काम कीजिएगा। और इसको कैसे ठीक करें फुल एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों अगर जो है इसमें अगर कोई भी नहीं जल रहा है, कोई भी नहीं जल रहा है, तो सबसे पहला इसमें आपको ये देखना है कि आपका इसके अंदर तो तार तो नहीं टूटा हुआ है, सबसे पहला दोस्तों, ठीक है। इस A to Z दोस्तों बताएंगे इसमें, इतना जान लीजिए आप, तो इसका तार तो नहीं टूटा हुआ है, तो खोल के आप देख लेंगे। दूसरी बात कि आप ये देख लेंगे कि कहीं से जो है इसमें दोस्तों सारा सीरीज होता है, जान लीजिए। जैसे मैंने ये बनाया है दोस्तों, ये देखिए क्या है, एक तो बॉल देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है आई थिंक अच्छा से, एक तो देखिए दोस्तों ये जो करंट डाले इसमें, ये करंट डाले, ये तार हो गया, ठीक है, 220 वोल्ट AC। अब यहाँ से दोस्तों ये सारा सीरीज में है, ठीक है दोस्तों, ये जलेगा तो ये करंट आगे आएगा, ठीक है दोस्तों, आगे आएगा तो फिर ये जलेगा, फिर ये करंट आगे आएगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे सारा यहाँ तक है। यहाँ से जो है दोस्तों, फिर यहाँ से जो है, फिर यहाँ से आके यहाँ पर आने की एक परिपथ पूरा हो गया तो ये जलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से आपका ये भी बॉल अगर मतलब यहाँ से कनेक्शन कर जाता है, यहाँ से कनेक्शन कर जाता है, तो आपका तो पूरा परिपथ तो नहीं लगेगा दोस्तों, यानी कि पूरा करंट तो नहीं दौड़ पाएगा, तो आपका जो है नहीं जलेगा। या कहीं से भी दोस्तों यहाँ से लीकेज हो जाए, चाहे यहाँ से लीकेज हो जाए, या नहीं तो बॉल फ्यूज हो जाए, ठीक है, ये बॉल फ्यूज हो जाए तो भी नहीं जलेगा। और दोस्तों इतना जान लीजिए, इसमें ठीक है, मिर्ची बॉल में इसमें होता क्या है, LED शॉर्ट ही होता है, ओपन नहीं होता है। शॉर्ट ओपन में मतलब क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट होना मतलब क्या होता है कि एक दूसरे में, जैसे ये LED है, ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो है आपका ये शॉर्ट कर जाए, यहाँ पे भी एक तार जो है अंदर में दिखेगा दोस्तों, ये बेंड किया हुआ रहता है, ठीक है, और ऊपर में फिलामेंट रहता है, तो ऊपर में ये जो फिलामेंट है दोस्तों, ये वाला, ये क्या होता है कि कट जाता है, ये कट जाता है, मगर ये तो शॉर्ट रहता है ना, तो आपका जो है फिर भी जलेगा, हाँ, मगर ये अंदर से कनेक्शन अगर टूट गया। देखिए दोस्तों, अधिकतर में क्या होता है दोस्तों, ये देखते हैं कि यहाँ से जो है तार जो है कट जाता है, यानी तो ये जो है दोस्तों, ये तार ये अच्छा से लगा हुआ नहीं रहता है, तो इसको खोल के अच्छा से लगाएंगे तो आपका जो है जलेगा। अगर फिर भी नहीं जल रहा है तो दोस्तों आपको चेक करना क्या है, एकदम कोल्ड टेस्टिंग बताएंगे दोस्तों, और इसमें कोई मतलब जो है ये नहीं है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, आपको अच्छा से बताते हैं इसमें करना क्या दोस्तों। तो सबसे पहले तो टेस्टर में ये चेक कर लेना है, देखिए दोस्तों इसमें लाइन आड़ा आने की, ये फेज है दोस्तों। इसमें एक और बात ध्यान देने का बात है दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ये कोई नहीं जल रहा है, सारा कनेक्शन भी सही है, ठीक, फिर भी अगर नहीं जल रहा है दोस्तों, तो होता क्या है, कोई कोई जो है ना दूसरा, जैसे बहुत सारा LED है, जैसे ये सब ये नहीं जल रहा है, इसका LED खोल के लगा रहे हैं, जैसे लगा रहे हैं वो फ्यूज हो रहा है, जैसे लगा रहे हैं फ्यूज हो रहा है, तो इसमें ये होता क्या है दोस्तों, ये सब LED शॉर्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों, बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए इसमें सारा LED शॉर्ट हो गया, ठीक, और एक अगर ये LED जो अच्छा लगाएंगे दोस्तों, अच्छा वाला LED लगाएंगे, तो एक LED जो है कितना सहेगा टेम्परेचर, 220 वोल्ट AC आ रहा है दोस्तों, तो उड़ेगा ही ना। सारा अगर अच्छा होगा तब ना, मतलब एक सीरीज में रहेगा तो सबको करेंट बराबर मिलेगा, तो वो जलेगा। हाँ, एकाक अगर शॉर्ट रहेगा दिक्कत नहीं है, एकाक आप इसको काट के शॉर्ट भी तार जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो आपका काम करेगा, दिक्कत नहीं है। हाँ, 2-4-5 को अगर खराब होगा, 2-3-4 को,
ठीक है, तो फिर आपको धीरे धीरे सारा एलईडी तुरंत ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा रोशनी भी देगा और तुरंत ख़राब भी हो जाएगा। ये सब बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक आध दो तो मैनेज हो सकता है, दो से ज़्यादा मत मैनेज कीजिएगा। दो को मतलब नहीं जला तो शॉर्ट कर दिए, ठीक है, तो अलग बात है, नहीं तो उसका एलईडी चेंज कीजिए। अब क्या क्या है दोस्तों, ये देखें, अब ध्यान देने का बात ये क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो इसका तो फर्स्ट छोड़ जो है दोस्तों, यानी कि फर्स्ट ये वाला ये पकड़ लीजिए, और लास्ट छोड़ जो है आपका कौन सा, ये लास्ट वाला ये पकड़ लीजिए दोस्तों, ठीक है, ये वाला सबसे लास्ट का ये है, ठीक। अब क्या करना है दोस्तों, इसको जो देखिए दोस्तों, इसको मैंने खोल दिया, इसको खोल दिया। अब ये बताइए दोस्तों, हम डायग्राम के सहित आपको बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका मैंने ये जो खोल दिए दोस्तों, ये वाला खोल दिए, ओपन कर दिए, तो इधर से तो करंट यहाँ तक आएगा, इधर से करंट यहाँ तक आएगा, मगर यहाँ से यहाँ तक तो नहीं जाएगा दोस्तों, तो ये नहीं चलेगा, ठीक। इसको खोल देने के बाद अब ये चेक करना है दोस्तों कि आपका जो फेज है, आई मीन जिसमें मतलब इसमें सिस्टम लगाते हैं, लाइट जो जलता है, तो आपको जब यहाँ पे हम फेज देखिए, करंट तो दिए यहाँ पे, ये फेज वाला में, ठीक है दोस्तों, ये करंट दिए, तो यहाँ से आपका यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ तक, यहाँ टेस्टर सटाएँगे, यहाँ पर जलना चाहिए। उसके बाद फिर जो है यहाँ से लेके यहाँ ये वाला तार है दोस्तों, ये फेज में यहाँ तक जलता है कि नहीं, यहाँ टेस्टर सटाएँगे, यहाँ जलना चाहिए। तो चेक कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखिए इसको मैंने डाला, ठीक है दोस्तों, नहीं जल रहा है, देखिए दोस्तों मैंने ये डाला, तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है सीरीज है, ये वाला जो है, ये इसमें बॉल लगा हुआ, ये डायरेक्ट है दोस्तों, ये यहाँ से डायरेक्ट तार यहाँ तक आया है, ठीक। आपको चेक करना है दोस्तों कि आपका जो ये जल रहा है कि नहीं, कहाँ पर फेज आ रहा है, कौन अर्थिंग आ रहा है। देखिए दोस्तों इधर जो है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये लाइट जल रहा है, फिर इधर नहीं जल रहा है, ठीक। इधर तो दोस्तों लाइट जल रहा है ना, तो ये आपका इधर वाला जल रहा है, यानी कि ये वाला तार, यानी कि ये वाला तार जो है दोस्तों ये सही है, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट आया है ये तार, आई मीन ये वाला तार, ये वाला तार जो है यहाँ यहाँ चेक किए दोस्तों, है ना, तो यहाँ पे जल रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ तक करंट आ रहा है, ये तार में कहीं से प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है दोस्तों यहाँ भी चेक करना है, ताकि यहाँ भी चेक करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ चेक करने के लिए जो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको देखिए आपको इसको पलटना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों फेज जो है दोस्तों दोनों में से एक ही में न जलेगा लाइट, है ना दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चेक कर दोस्तों, ये अब इसका ये तो सही है दोस्तों, अब इसका यहाँ पे चेक करना है ना, इसको यहाँ चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए चेक करते हैं, तो देखते हैं, हाँ दोस्तों देखिए दोस्तों आ रहा है। अब अगर मान लीजिए नहीं आया है ना, अब मान लीजिए यहाँ नहीं आया, ठीक, तो आपको जैसे बीच में कहीं पर है, यहाँ खोलें, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर चेक करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ आ रहा है, ठीक, यहाँ आ रहा है। अगर यहाँ नहीं आ रहा है, इससे देखिए ये तो आगे है दोस्तों, अगर यहाँ आ रहा है, इससे आगे नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं एलईडी में कहीं से दिक्कत होगा दोस्तों। अगर यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो फिर इसका पीछे जाएंगे, फिर यहाँ भी चेक करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ भी चेक करेंगे कि यहाँ पे टेस्टर जल रहा है कि नहीं, ये दोस्तों जल रहा है टेस्टर, तो ये दोस्तों जल रहा है। अगर यहाँ भी नहीं जल रहा, तो पीछे जाना है, अगर जल रहा है दोस्तों तो आगे जाना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये जल रहा है दोस्तों, तो यहाँ देखें यहाँ जल रहा है, अगर यहाँ नहीं जल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे इधर कोई एलईडी में या तार में कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और एलईडी में ही ऐसा दिक्कत होता है दोस्तों। बस इसको खोल के, ज़्यादा नहीं, इसको खोल के बस इसको देख लेना कि अच्छा से लगा हुआ है कि नहीं, बस फिर से बैठा देना है, इसमें ऐसा कुछ बीमारी होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम बहुत सारा प्रैक्टिकल कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर जो है मैंने एलईडी कहाँ कहाँ खोला है, देखिए दोस्तों यहाँ पर है, तो समझने वाली बात है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देके देखिए दोस्तों। तो आपका जो है सबसे लास्ट छोड़ यहाँ पर दोस्तों, ये आपका जो है यहाँ पर जल रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ जल रहा है, और ये डायरेक्ट वाला ये भी तार में करंट आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, तो इसमें एलईडी नहीं है, क्योंकि सीरीज में है, ठीक है, कोई भी एलईडी खराब होगा तो पूरा नहीं जलेगा। तो दोस्तों तो आप जो है इसमें एक एलईडी लगाते हैं, ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा बात नहीं होता दोस्तों। अगर इसमें और भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें, मगर इतना जान लीजिए ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारा एलईडी बनाया है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये आपका जल गया, ठीक है दोस्तों, और इसमें आप एक और भी देखिए दोस्तों, ये एकदम जल ही रहा है, ये तो भूवक नहीं कर रहा है दोस्तों, तो ये भूवक क्यों कौन करवाता है, तो मास्टर बॉल करवाता है दोस्तों। तो अब मान लीजिए हम मास्टर बॉल यहाँ से खोल के दोस्तों, हम दूसरा कोई मास्टर बॉल, जैसे इसमें मास्टर बॉल है दोस्तों, ये बॉल मास्टर बॉल लगा देते हैं, तो आपका जो है ये देखिए दोस्तों अब ये भूवक करेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।